तो हे गाइस, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि नीट 2022 का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा या फिर नहीं होगा, और साथ में ये भी बताऊंगा कि एडमिट कार्ड कब तक रिलीज़ होगा। आपको एकदम ऑफिशियल न्यूज़ जो NTA के द्वारा है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल विजिट करिए, आपको ज़रूर से सब्सक्राइब करने का मन ज़रूर कर देगा, ठीक है। तो मैं बताता हूँ नीट 2022 का एग्ज़ाम क्या होगा। तो NTA के द्वारा जो अभी तक ऑफिशियल न्यूज़ है, वो अभी तक NTA कोई भी एक्शन नहीं ले रही थी। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि नीट 2022 पोस्टपोन्ड क्यों होगा, इसलिए होगा नीट 2022 पोस्टपोन, क्योंकि देखिए, अब जब नीट PG का एग्जाम हो रहा था तो नीट UG के तरह से ही जो है वो उसमें भी जो है बहुत सारे बवाल चल रहे थे कि नीट PG एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा, नहीं होगा या फिर होगा होगा, जैसे अभी नीट UG के लिए चल रहा है। तो सेम यही कंडीशन जो है नीट PG वालों के लिए भी हुआ था, और लास्ट टाइम पे जाकर के जिस दिन एग्जाम था उसके कुछ दिन पहले ही जाकर के जो है वो नीट PG का एग्जाम पोस्टपोन हुआ, ठीक। तो एकदम सेम वही कंडीशन जो है वो आई हुई है यहाँ पर भी नीट UG वालों के लिए भी। NTA का एग्जाम, नीट का एग्जाम है, CUET का एग्जाम है, और काउंसलिंग लेट हुई जिसकी वजह से जो है वो नीट UG का एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा। तो जरूर सही बात है, ये नीट UG का भी एग्जाम पोस्टपोन्ड होना चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ कि नीट 2022 का जो 17 जुलाई को एग्जाम होने वाला है, ये 17 जुलाई को ना होकर के अगस्त में होना चाहिए, ये मैं चाहता हूँ, ठीक है। तो ये न्यूज़ आपको आई होप अच्छी लगी होगी। तो और अगर बात करते हैं हम एडमिट कार्ड की, तो एडमिट का अगर 17 जुलाई को एग्ज़ाम होगा, मतलब कि अभी तक कंफर्म, अगर देखिए कंफर्म हो गया कि 17 जुलाई को एग्ज़ाम होगा, पोस्टपोन्ड एग्ज़ाम नहीं होगा, तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो लगभग फर्स्ट वीक ऑफ जून, यानी कि हम कह सकते हैं जब जून खत्म हो जाएगा तो जुलाई में 1 से 5 जुलाई के बीच में आपका नीट 2022 का जो एडमिट कार्ड है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी 17 जुलाई को लास्ट डेट मान के चलिए, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि पोस्टपोन्ड हो। आप भी प्रे करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।